मेरा नाम है ऋषभ सिन्हा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि LTE में हमारे मोबाइल में जो डेटा आता है वो रेडियो इंटरफेसेस में किन किन चैनल्स पे मैप होकर आता है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम डाउनलिंक चैनल्स पे जाएंगे। डाउनलिंक चैनल्स में दोस्तों तीन टाइप के चैनल होते हैं, लॉजिकल चैनल, ट्रांसपोर्ट चैनल और फिजिकल चैनल। लॉजिकल चैनल दोस्तों हमें बताता है व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज़ टू बी ट्रांसमिटेड, क्या डेटा हमें भेजना है, और ट्रांसपोर्ट चैनल हमें बताता है दोस्तों हाउ इज़ दिस डेटा टू बी ट्रांसमिटेड, उसे किस तरीके से हम ब्लॉक्स में बंद करके वो डेटा आपको भेजेंगे, वो ट्रांसपोर्ट चैनल बताएगा। और दोस्तों फिजिकल चैनल बताता है वेयर इज़ दिस डेटा चैनल मैप्ड और हम उसको किस चैनल पे मैप करके आपको भेज रहे हैं। फाइनली जो डेटा आपके पास मिल रहा है दोस्तों वो फिजिकल चैनल पे मिल रहा है, लेकिन जो डेटा है वो लॉजिकल चैनल पे मैप्ड है, जिसको ट्रांसपोर्ट चैनल पे हम ब्लॉक्स में डिवाइड करके फिजिकल चैनल में एक पर्टिकुलर चैनल पे उस चैनल में उसको डाल करके भेजते हैं आपको। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है पेजिंग कंट्रोल चैनल। पेजिंग कंट्रोल चैनल में दोस्तों यूई कहाँ है, यूज़र कहाँ है, उसको देखने के लिए हम उस पर लोकेशन अपडेट रिक्वेस्ट पेजिंग चैनल पर भेजते हैं, जो कि पेजिंग चैनल ट्रांसपोर्ट चैनल के यूज़ करते हुए फिजिकल डाउनलिंक शेयर चैनल पे फिजिकल चैनल पे मैप होकर के यूज़र्स को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों सेकंड चैनल जो है वो ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल। दोस्तों दो टाइप के कंट्रोल चैनल होते हैं ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, एक होता है MIB मास्टर इन्फॉर्मेशन ब्लॉक, एक होता है SIB। MIB दोस्तों जो होता है वो फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन होता है। जो MIB होता है दोस्तों वो जनरली कैरी करने में इन्फॉर्मेशन, जैसे नंबर ऑफ एंटेना, उस सेक्टर में कितने हैं, सिस्टम की बैंडविड्थ क्या है। और दोस्तों SIB दोस्तों वेरी करता है सिस्टम इन्फॉर्मेशन ब्लॉक। SIB 1 से लेके 11 तक होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जाती हैं, जैसे कि सेल ID, MCC, MNC एक्सेट्रा। तो दोस्तों जो MIB होता है वो BCCH में BCH ब्रॉडकास्ट चैनल के थ्रू फिजिकल ब्रॉडकास्ट चैनल पे हमें मिलता है, और जो SIBs होता है दोस्तों वो डाउनलिंक शेयर चैनल पे मैप होकर PDSCH पे मैप होकर के फिजिकल चैनल पे हमें मिलता है। इसके अलावा दोस्तों दो टाइप के कंट्रोल चैनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, कॉमन कंट्रोल चैनल और डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल। कॉमन कंट्रोल चैनल में दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कंट्रोल सिग्नलिंग कनेक्टिविटी के पहले एक दूसरे को UE और ENode भी एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे कि RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट, RRC कनेक्शन रिस्पॉन्स, ये भी दोस्तों PDSCH पे मैप होता है। और डाउनलिंक कंट्रोल डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल जो होता है दोस्तों उसमें एक कंट्रोल सिग्नलिंग एस्टैब्लिश हो जाने के बाद के मैसेज जाते हैं, जैसे कि RRC कनेक्शन रिकन्फिग्रेशन या फिर हैंडओवर रिक्वेस्ट, ये सब डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल पे जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बार कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सेटअप हो गया तब दोस्तों हम डेटा भेजते हैं, वो डेटा हम भेजते हैं DTCH पे, डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल पे, जो भी दोस्तों हमारा डाउनलिंक शेयर चैनल के थ्रू फिजिकल डाउनलिंक शेयर चैनल पे मैप होकर के आता है। इसके अलावा दो और इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो होते हैं MCCH और MTCH, मल्टीकास्ट कंट्रोल चैनल, मल्टीकास्ट ट्रैफिक चैनल। ये दोस्तों MBMS सर्विसेज भेजता है, जो है मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट सर्विसेज। कुछ तरह के सर्विसेज होते हैं दोस्तों, जैसे कुछ इमरजेंसी अलर्ट बहुत सारे यूज़र्स को भेजना है, या फिर आजकल मोबाइल TV आ रही है, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये जनरली MBMS मैसेजेस हैं जो हम MTCH के थ्रू भेजते हैं, ये भी दोस्तों PDSCH पे भेज जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि LTE में बहुत सारे लॉजिकल चैनल्स एक ही फिजिकल चैनल PDSCH पे मैप होकर के जा रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में ये आता है कि सपोज करिए मैं यूज़र ए हूँ और आप यूज़र बी हैं, तो PDSCH पे क्योंकि मल्टीपल लॉजिकल चैनल मैप्ड है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कौन से लॉजिकल चैनल की इन्फॉर्मेशन आ रही है। सपोज करिए मुझे DTCH मिला है और आपको DCCH मिला है, तो PDSCH में तो सारे लॉजिकल चैनल्स की मैपिंग है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा लॉजिकल चैनल मेरे लिए है। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों PDSCH के पहले एक चैनल आता है PDCCH, फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल, जो दोस्तों हमें बताता है कि PDSCH पे कौन से लॉजिकल चैनल मैप्ड हैं। अब दोस्तों सपोज करिए फॉर एन एग्जांपल मैं यूज़र ही हूँ और मुझे जो PDSCH में मल्टीपल लॉजिकल चैनल्स मैपिंग है, जैसे कि CCCH, DCCH, DTCH, और आप जो यूज़र भी हैं उसे सिर्फ एक ही लॉजिकल चैनल मैप्ड है DTCH, तो दोस्तों मुझे फिर PDSCH पे मल्टीपल लॉजिकल चैनल मैप्ड हैं, ये इन्फॉर्मेशन PDCCH को बताने के लिए ज़्यादा डेटा भेजना पड़ेगा, और आपको क्योंकि एक ही लॉजिकल चैनल मैप है तो कम डेटा भेज के भी वो आपको इन्फॉर्म कर सकता है कि आपके नेक्स्ट जो PDSCH चैनल आ रहा है उसमें एक ही लॉजिकल चैनल है। तो दोस्तों इसलिए PDCCH की जो सिंबल्स हैं जिसपे उनको भेजा जाता है वो वैरी होता है 1 से लेके 4 OFDM सिंबल तक। अगर कम सिग्नलिंग इन्फॉर्मेशन है तो 1 पे जाएगा, अगर ज़्यादा है तो 4 तक हम यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं एज ए UE कैसे समझूंगा कि मुझे PDCCH 1 OFDM सिंबल पे मिला है या मुझे 4 OFDM सिंबल यूज़ करना है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है नेक्स्ट चैनल, जो है कि पैसिफिक फिजिकल कंट्रोल फॉर्मेट इंडिकेटर चैनल। ये बताता है दोस्तों कि हमारे PDCCH जो चैनल है जो हमें एलोकेट हो रहा है इसमें
कितने OFDM में सिंबल्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पीसीफिक पढ़ते हैं जो हमें बताता है कि नेक्स्ट जो कंट्रोल चैनल आ रहा है वो कितने OFDM में सिंबल्स में मैप्ड है। उसके बाद हम PDCCH में देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास PDSCH आ रहा है उसमें हमारे लिए कौन कौन से लॉजिकल चैनल मैपिंग है। इसके अलावा दोस्तों अगर PDSCH ऑक्यूपाइड नहीं है तो दोस्तों MTCH और MCCH सर्विस जो है, ये MTCH सर्विस दोस्तों ये मल्टीकास्ट चैनल के थ्रू PMCH पे भी हमें मिलती है। एक और चैनल बचता है दोस्तों, वो है PHIC चैनल, फिजिकल हार्ट इंडिकेटर चैनल। दोस्तों जो INOD और UE एक दूसरे को डेटा भेज रहे हैं इसके लिए जो ACK-NAC मैसेज एक्नॉलेजमेंट हुआ कि नहीं हुआ ये जानने के लिए दोस्तों PHIC चैनल का यूज़ होता है। तो दोस्तों ये है टोटल डाउनलिंक के चैनल्स। आइए चलिए अपलिंक चैनल्स देखते हैं। अपलिंक में दोस्तों सिमिलरली तीन टाइप के चैनल होते हैं, कॉमन कंट्रोल चैनल, डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल और डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल। और जैसा कि हमने डाउनलिंक में देखा था ये भी अपलिंक शेयर चैनल के थ्रू फिजिकल अपलिंक चैनल पर मैप्ड होते हैं। अब क्योंकि अपलिंक शेयर चैनल पर तीन अपलिंक चैनल मैप्ड है तो इसको भी जानने के लिए हमें एक कंट्रोल चैनल की जरूरत पड़ती है। जो कंट्रोल चैनल हम यहाँ देख सकते हैं फिजिकल अपलिंक कंट्रोल चैनल है, अपलिंक कंट्रोल चैनल इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि PUSCH में कौन कौन सा डेटा आ रहा है। अब क्योंकि अपलिंक में बहुत ज़्यादा लॉजिकल चैनल्स नहीं है इसलिए PUCCH जो है फिजिकल अपलिंक कंट्रोल चैनल की बैंडविड्थ फिक्स है। इसके अलावा दोस्तों नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए हमें एक और अपलिंक चैनल का इस्तेमाल करना पड़ता है जो है दोस्तों PRAC। ये PRAC जो है ट्रांसपोर्ट चैनल पर RAC पे मैप्ड है। जो हम UE जो है वो नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए जो रिक्वेस्ट भेजता है वो RAC चैनल पर भेजता है। ये RAC चैनल दोस्तों अपलिंक में PRAC पे मैप्ड होता है। तो दोस्तों ये थे टोटल अपलिंक एंड डाउनलिंक चैनल्स जो LTE में हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू UE को इन्फॉर्मेशन भेजा जाता है। जो मीडियम है एयर इंटरफेस पे जिसके थ्रू हम सारे डेटा मैप करके आपको भेजते हैं। थैंक यू।